बड़सर उपमंडल के जो से बाया दवड़ियाना गारली सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालत ये है कि सड़क की बजरी तक उखड़ चुकी है, जिसे दो पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ समय पहले सड़क को पक्का किया गया था, लेकिन अच्छी गुणवत्ता न होने के चलते सड़क की बजरी तक उखड़ चुकी है। वही लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द सड़क को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल में सड़कों की हालत दयनीय हो चुकी है। अधिकतर सड़कें उखड़ चुकी हैं। बता दें कि जोल से बाया धबड़ियाना गारली की सड़क हालत बदतर हो चुकी है। सड़क में पड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। हालत ये है कि सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क की उखड़ी बजरी से दो पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि कुछ दोपहिया वाहन चालक सड़क की उखड़ी बजरी के कारण गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। सड़क की दुर्दशा होने के चलते वाहन चालकों को आए दिन अपने वाहनों को ठीक करवाने में आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सड़क को कुछ माह पहले ही दुरुस्त किया गया था, लेकिन सही गुणवत्ता वाला मटेरियल उपयोग न होने के कारण सड़क उखड़ चुकी है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग और जयराम सरकार से सड़क जल्द ठीक करवाने की गुहार लगाई है। लोक निर्माण विभाग सड़कों की हालत सुधारने में पूरी तरह से असफल रहा है, और ये जो जोल से बाया धबड़ियाना गारली जो सड़क है, इसकी हालत बहुत ही दयनीय है। इसको कुछ माह पहले पक्का करवाया गया था, लेकिन गुणवत्ता सही ना होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये जानलेवा भी हो सकती है। विभाग से और लोक निर्माण विभाग के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध है कि इन सड़कों की हालत पर जो है वो सुधार करवाया जाए। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस सड़क की रिपेयर कराए, और वैन चालक जो है, कोई स्कूटर चालक गिर भी सकते हैं। इस रोड की इतनी बुरी हालत है, बसों को भी बहुत मुश्किल है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभिशाषी अभियंता अनिल शर्मा की माने तो उन्होंने बताया कि सड़क को जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। कुछ स्पॉट पर विभाग ने काम करवाना शुरू कर दिया है।